बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके आंसर आपने अपनी नोटबुक पे लिखने थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को जो हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इनके सॉल्यूशन जो हैं वो आपने अपनी जो नोटबुक है उस पर राइट डाउन करना है। रिटन फॉर्म में आपने इनको लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है, या आपने अपनी जो है नोटबुक पे लिखना है क्वेश्चंस, उसके बाद आंसर लिखेंगे। और इसका आंसर है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट कम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो ये हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, जो आपको एरो शो हो रहा है इससे वो रिप्रेजेंट किया जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दीज रिएक्शंस आर प्रोसीड टू कम्प्लीशंस एंड दीज रिएक्शंस मे बी कंडक्ट इन ओपन एंड क्लोज वेसल्स एंड देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इन दीज रिएक्शंस। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द सॉल्यूशन इज, व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शंस मिक्सचर रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई सी भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की एग्जांपल कोट करेंगे बुक से देख के, जो आपको इजी लगती है वो आप इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की एग्जांपल जो है यहाँ पे आप वो कोट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल कोट किया है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और इस तरह से आपने इनके जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, या आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं। साथ साथ आप लिखते जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर वन और टू का सॉल्यूशन है जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर रिटन फॉर्म में आपने लिखना है।